किससे बड़े ही मशहूर हैं चाय के, कुछ गर्म तो कुछ ठंडे मिजाज के। एक रंग में न जाने कितने स्वाद समेटे बैठी है ये एक कप चाय। प्रेमी जोड़ों की चाय, कुछ पुराने दोस्तों की चाय, सुबह की चाय, शाम की चाय, कुछ खट्टी मीठी पुरानी यादों की चाय। सबका अपना अलग ही स्वाद है। आपने मशहूर बनारस का पान तो सुना होगा, आइए आज आपको हम बनारस की मशहूर चाय का एक किस्सा सुनाते हैं। अगर वक्त हो तो सुनते सुनते एक कप चाय जरूर पी लीजिएगा। स्वागत है आप सबका जेज डायरी पे, मेरा नाम है आकाश। इस एक दुनिया में न जाने कई तरह की दुनिया है, जैसे दोस्तों की दुनिया, रिश्तेदारों की दुनिया, ऐसे ही एक दुनिया है हॉस्टल की दुनिया। अगर कभी जिंदगी में मौका मिले तो एक बार कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन हॉस्टल रहकर आइएगा। यहाँ आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे, लेकिन पहले ही बता दे भैया, यहाँ जाने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि इसमें जाने के बाद आप बाहर आओगे या लाए जाओगे। बहुत अजीब की, थोड़ी गजब की दुनिया है हॉस्टल। और इन वानर सेना से भरी हॉस्टल की दुनिया में शामिल होने बरेली से चला आया था हमारी कहानी का हीरो ऋतिक। बहुत समझाया था यहीं रहकर पढ़ ले, बरेली में इतने अच्छे कॉलेज तो हैं, लेकिन इन्हें कहाँ समझ में आता है, इन पे तो बनारस जाने का जैसे भूत सवार है। ऋतिक के पापा ने बस ऐसी दो चार लाइनें ऋतिक का एडमिशन कराते वक्त ऋतिक के टीचर के सामने बोल दी। ऋतिक के टीचर ने मुस्कुराते हुए बोला, अजी बच्चा है, अब इसने ये कॉलेज चुना होगा तो कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा, इसकी आप चिंता मत कीजिए तिवारी जी, आपका बच्चा अब हमारा बच्चा। तिवारी जी ने पहले अपने बच्चे यानी ऋतिक को देखा, फिर सामने बैठे टीचर को देखा, फिर ऊपर भगवान को देखकर बस हाथ जोड़कर कहा, धन्य हो प्रभु। तिवारी जी ऋतिक को टीचर के हवाले करके वापस अपने शहर बरेली लौट गए। टीचर ऋतिक को लेकर एक नई दुनिया में चले आए, ये दुनिया थी हॉस्टल की दुनिया। ऋतिक जैसे ही उस दुनिया में गया, उसकी अपनी दुनिया हिल गई। माहौल ऐसा था जैसे मानो सारी सेना किसी युद्ध की तैयारी में जुटी हो। वहीं एक तरफ कोने में गुलाब के फूलों को देख रहे मुस्कुराते हुए कुछ प्राणी आशिक नजर आ रहे थे, कुछ बाहुबली तो कुछ चमचागिरी में थे। ऋतिक ने पहली बार हॉस्टल को कुछ ऐसे देखा। टीचर सीमेंट की मजबूती बताते बताते ऋतिक को कब उसके कमरे तक ले आए पता ही नहीं चला। चिड़ियाघर जैसा कमरा, साफ सफाई के नाम पर जगह जगह फर्श टूटा था। क्या आप नहीं समझे? अरे बाबा, फर्श टूटा हुआ है इसका मतलब यह है कि जब फर्श ही नहीं है तो सफाई कहाँ करोगे। खैर, चिड़ियाघर के इस कमरे से मेरा मतलब है हॉस्टल का वो कमरा जहाँ पे ऋतिक अकेला नहीं था। उसके साथ एक लड़का और रहता था जिसके साथ ऋतिक की आगे चलकर बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक दूसरे को समझकर अच्छी दोस्ती हुई ऋतिक के लिए, अब सब एकदम बढ़िया चल रहा था। वैसे हॉस्टल की दुनिया में कुछ भी साधारण नहीं होता, लेकिन ये बातें फिर कभी किसी और कहानी में करेंगे। जैसे जैसे कुछ वक्त बीता, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। ऋतिक के दोस्त का नाम शिवा था। एक दिन शिवा ने ऋतिक से कहा, ऋतिक आजा, तुझे आज बनारस की सबसे मशहूर चाय पिला के लाता हूँ। ऋतिक और शिवा थोड़ी देर में पास ही के गंगा घाट के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठे थे। शाम का वो वक्त और गंगा किनारे का वो सुंदर नज़ारा, वैसे अगर नहीं देखा तो एक बार बनारस जाइएगा और गंगा आरती देखिएगा, जिंदगी में सबसे सुखद शांति का अनुभव होगा आपको। वो मंदिर की घंटियाँ और पास ही चल रही गंगा आरती और वहाँ खड़ी लाखों की भीड़ कहीं ना कहीं ऋतिक के मन में अलग ही शांति का अनुभव करवा रही थी। दोनों दोस्त अपनी अपनी चाय में खोए इधर उधर की बातें करते रहे। अब ये इनका रोज का हो गया था, दोनों अपने कॉलेज से हॉस्टल आकर फिर वहीं शाम को गंगा किनारे चाय पर चल देते थे। ऐसा नहीं था कि इस जगह चाय पीने वाले सिर्फ ये दो अकेले ही थे, आसपास के सभी लोग जिनको इस जगह के बारे में पता था, सब यहाँ एक कप चाय के नाम अपनी शाम किया करते थे। एक रोज चाय की चर्चा में ऋतिक की नजर पास ही घाट पर आई एक लड़की पर गई। वो लड़की हाथों में दीपक लिए और कुछ फूल लिए गंगा किनारे बैठी थी। ऋतिक ने बस उसे एक नजर देखा और फिर वापस अपनी चाय की चर्चा में लगा रहा। दोनों ने अपनी अपनी चाय खत्म की और अपने अपने हॉस्टल के लिए निकल गए। ऋतिक ने जाते जाते पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की वहां नहीं थी। वैसे आप सोचेंगे कि इस कहानी का नाम बनारस की चाय क्यों है, तो आपको बता दें कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है और ये कहानी बस एक कप चाय से ही शुरू होगी। ऋतिक हर रोज उस चाय की दुकान से उस लड़की को देखा करता था। वो लड़की हमेशा उसे एक हाथ में दिया और कुछ फूल लिए वहीं नजर आती थी। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। वो लड़की अब गंगा घाट से ऋतिक के हॉस्टल तक आ पहुंची थी। अरे अरे, आप समझे नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि वो लड़की गंगा घाट से अब ऋतिक की यादों में आने लगी थी।
बैठा बैठा ऋतिक बस उसी लड़की के बारे में सोचा करता था, और जितना सोचता उतना उसके बारे में जानने की इच्छा होती। ये सिलसिला कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन ऋतिक ने शिवा से कहा कि तू बैठ चाय पी, आज मैं भी एक दीपक और थोड़े से फूल गंगा में अर्पण करके आता हूँ। कहकर वो पास ही के फूल की दुकान से दीपक और कुछ फूल लेकर उस लड़की के पास जाकर उन्हें पानी में अर्पण करने लगा। ऋतिक का ध्यान उस लड़की की ओर था कि अचानक उसका पैर फिसला और ऋतिक पानी में गिर गया। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था कि तभी उसके हाथों को किसी ने थामा और खींच के पानी से बाहर निकाल लिया। ऋतिक खुद को थोड़ा संभालता कि इतने में उसके पीछे से आवाज आई, मरने आए होगा यहाँ पे? अरे मरना है तो थोड़ा आगे जाके मरो ना, अच्छा खासा बैठी थी यार, तुम्हें यही जगह मिली क्या? ऋतिक ने पीछे मुड़कर देखा तो ये वही लड़की थी। ऋतिक ने कहा, तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूं जो यहाँ हर रोज बैठ के मरने के नए नए रास्ते ढूंढूं। मैं तो बस यहाँ पे फूल अर्पण करने आया था, वो तो मेरा गलती से पैर फिसल गया तो मैं गिर गया। एक मिनट, तुम्हें किसने कहा मैं यहाँ रोज मरने के रास्ते ढूंढती हूँ? और तुम क्या यहाँ रोज लड़कियों को ऐसे ही देखने आते हो क्या? उस लड़की ने कहा। ऋतिक ने कहा, नहीं, मैं तो बस ना ये पास में हॉस्टल में रहता हूँ, तो मैं तो यहाँ रोज चाय पीने आता था, तो बस तुम्हें देख लिया ऐसे ही। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ तुम्हें देखने आता हूँ, ऐसे अपने मन से कुछ भी मत बोलो मेरे बारे में। जिस नजाकत से ऋतिक ने ये बात बोली वहां खड़ा कोई भी हंस देता। उस लड़की को भी उस पर हंसी आ गई और हंसते हंसते कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। दोनों अपने अपने हॉस्टल आ गए। अगले दिन शिवा को किसी काम से अपने घर जाना था, तो शिवा अगले ही दिन अपने घर के लिए निकल गया। अब हमारे ऋतिक भैया अकेले हो चुके थे, मन नहीं लग रहा था हॉस्टल में, तो सोचा चलो चलते हैं अपनी घाट किनारे चाय पर। ऋतिक चाय की दुकान पर बैठा घाट की खूबसूरती को देख रहा था। जैसे जैसे शाम ढलती जा रही थी वैसे वैसे घाट की खूबसूरती बढ़ती जा रही थी। पानी में तैरते लाखों दिए ऐसे लग रहे थे जैसे मानो किसी शहर की सारी लाइटों को चुरा कर किसी ने पानी में सजा दिया हो। घाट किनारे की खुशबू जैसे मानो किसी ने पूरे घाट को मोगरे के इत्र में डुबो दिया हो। नजर हटी तो देखा उन्हीं सीढ़ियों पर उसी जगह वही लड़की बैठी थी। आज ऋतिक भी अकेला था तो उसने सोचा चलो उस दिन के लिए शुक्रिया ही बोल देता हूँ। उसने दो कप चाय ली और उस लड़की के पास जाकर बोला, कोई नया तरीका मिला मरने का या अभी तक मेहनत ही चल रही है आपकी? उस लड़की ने हंसते हुए कहा, ज्यादा बोलोगे तो अभी नदी में धक्का दे दूंगी और इस वक्त बचाने भी नहीं आऊंगी, सोच लेना। ऋतिक ने कहा, बचपन से ऐसी हो या बनारस आकर ही ऐसी बनी हो? कहकर दोनों हंसने लगे। ऋतिक ने कुल्हड़ वाली चाय उस लड़की की ओर बढ़ाते हुए कहा, उस दिन के लिए शुक्रिया। एक खूबसूरत सी शाम अब ढल चुकी थी और रात ने दस्तक दे दी थी। दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। वैसे ये सफर ऐसा था जिसमें दोनों को नहीं पता था कि हमारे रास्ते कब और कहाँ मिलेंगे। ये तो बस एक सफर था जिसकी ना कोई मंजिल और ना कोई रास्ते का पता था। अब इनकी मुलाकातें भी वहीं घाट किनारे उसी जगह चाय पर होने लगी थी। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी और अब तो दोनों एक साथ गंगा किनारे बैठे ढलती शामों को देखा करते थे। करीब 5 दिन बाद शिवा अपने घर से वापस आ गया। हॉस्टल पहुंचकर ऋतिक से मिला और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। और होते भी क्यों ना, क्योंकि हॉस्टल भी अपने आप में एक अलग ही परिवार है। दोनों मिले और ऋतिक ने पिछले 5 दिनों में जो जो हुआ सारी बातें शिवा को बताई। ऋतिक के मन में जन्म ले रहे इस प्यार को शिवा ने हवा दे दी। शिवा ने उसके दिल में इस दोस्ती को मोहब्बत की जगह दे दी। अब दोनों उसी जगह चाय की दुकान पर बैठे उस लड़की के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद उन्हें वो लड़की उसी जगह पर बैठी मिली। ऋतिक ने उस लड़की को देखा और शिवा से कहा, आजा चल तुझे मिलवाता हूँ उस लड़की से, वो देख वो बैठी ना सामने सीढ़ियों पर, चला जा। ऋतिक शिवा का हाथ पकड़कर उसे उस लड़की के पास लेकर आया और उससे कहा, ये मेरा दोस्त है, शिवा नाम है इसका, मेरे साथ हॉस्टल में ही रहता है। शिवा से कहा, भाई ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था ना? शिवा ने कहा, भाई तू किससे बात कर रहा है, यहाँ तो कोई नहीं बैठा, तू ठीक तो है ना मेरे भाई? वो लड़की ऋतिक को छोड़कर वहाँ बैठे किसी को नजर नहीं आई। 2 साल बाद ऋतिक जब बनारस से वापस अपने शहर जा रहा था तो उसने आखिरी बार उस घाट के किनारे जाकर उसी जायके की चाय ली और चाय पीते पीते घाट को देखने लगा। तभी उसकी नज़र उस जगह पर गई तो देखा वहाँ वही लड़की बैठी है और ऋतिक को देखकर मुस्कुरा रही है। उस दिन के बाद से बनारस की चाय ऋतिक के मन से आज तक नहीं निकली। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आप भी कभी बनारस आइएगा तो इस बार बनारस का पान छोड़कर गंगा घाट के किनारे शाम को एक कप चाय जरूर पीजिएगा।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कहानी मेरी अपनी डायरी से है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें बताइए। कहानी आपकी, हमारी जुबानी। बने रहिए जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।